नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। आज हम जगन्नाथ रथ यात्रा पर कुछ MCQ पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आइए जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में थोड़ा जान लें। रथ यात्रा, जिसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में आयोजित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। ये त्यौहार भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण और उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। आइए इसे और विस्तार से जानें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। रथ यात्रा की उत्पत्ति का सही समय ज्ञात नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ये वैदिक काल से मनाई जा रही है। ये त्यौहार भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ है और इसे भगवान जगन्नाथ के भक्तों के बीच अत्यधिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। रथ यात्रा का महत्व। भगवान जगन्नाथ का पुरी मंदिर चार धामों में से एक है। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान को उनके भक्तों के बीच लाना और उन्हें उनका आशीर्वाद देना है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को उनके मंदिर से बाहर लाया जाता है और भव्य रथों पर बिठाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी। त्यौहार की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ होता है। रथ निर्माण में लकड़ी का उपयोग होता है और इन्हें विशेष प्रकार से सजाया जाता है। तीन रथों के नाम और उनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है नंदी घोष या गरुड़ ध्वज। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इसमें 16 पहिए होते हैं, इसका रंग पीला होता है। दूसरा है ताल ध्वज। बलभद्र का रथ, जिसकी ऊंचाई लगभग 44 फीट होती है और इसमें 14 पहिए होते हैं, इसका रंग हरा होता है। तीसरा है दर्प दलन या पद्मा ध्वज। सुभद्रा का रथ, जिसकी ऊंचाई लगभग 43 फीट होती है और इसमें 12 पहिए होते हैं, इसका रंग लाल होता है। रथ यात्रा का दिन। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को मनाई जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को उनके रथों पर बिठाया जाता है और गुडीचा मंदिर की ओर यात्रा शुरू होती है। गुडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। यात्रा का मार्ग और आयोजन। यात्रा मार्ग को बड़ा डंडा कहा जाता है और इसे विशेष रूप से सजाया जाता है। यात्रा के दौरान भक्त रथों की रस्सियों को खींचते हैं, जो बहुत पुण्यकारी माना जाता है। भगवान के दर्शन के लिए लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। गुंडीचा मंदिर में विश्राम। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके बाद भगवान पुनः अपने मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। बहुधा यात्रा। बहुधा यात्रा वह दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर से वापस अपने मूल मंदिर लौटते हैं। इस यात्रा में भी भक्तों का भारी जनसमूह शामिल होता है और ये भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। रथ यात्रा का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। ये त्यौहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रथ यात्रा मुख्य रूप से किस भगवान से संबंधित होती है? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान गणेश, ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन डी भगवान शिव। सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ। अगला सवाल है, रथ यात्रा का मुख्य आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी मथुरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरी। अगला सवाल है, पुरी की रथ यात्रा किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी जून, ऑप्शन डी जुलाई। सही उत्तर है ऑप्शन डी जुलाई। अगला सवाल है, पूरी रथ यात्रा में कौन कौन से देवताओं का रथ होता है? ऑप्शन ए केवल भगवान जगन्नाथ का, ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ,
बलभद्र और सुभद्रा, ऑप्शन सी भगवान राम लक्ष्मण और सीता, ऑप्शन डी भगवान कृष्ण बलराम और राधा। सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ का रथ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन बी नंदी, ऑप्शन सी नंदी घोष, ऑप्शन डी सुदर्शन। सही उत्तर है ऑप्शन सी नंदी घोष। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान सबसे पहले किस देवता का रथ चलता है? ऑप्शन ए सुभद्रा, ऑप्शन बी बलभद्र, ऑप्शन सी जगन्नाथ, ऑप्शन डी कृष्णा। सही उत्तर है ऑप्शन बी बलभद्र। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के रथों को खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले रस्सी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी चाप, ऑप्शन सी महापाश, ऑप्शन डी जयमाला। सही उत्तर है ऑप्शन सी महापाश। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा कितने दिनों तक चलती है? ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी 5 दिन, ऑप्शन सी 7 दिन, ऑप्शन डी 9 दिन। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 दिन। अगला प्रश्न है, पूरी की रथ यात्रा के दौरान कुल कितने रथ होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ का रथ कितने पहियों का होता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। सही उत्तर है ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा में सुभद्रा के रथ का नाम क्या है? ऑप्शन ए गरुड़ ध्वज, ऑप्शन बी पद्मा ध्वज, ऑप्शन सी ताल ध्वज, ऑप्शन डी देवदलन। सही उत्तर है ऑप्शन डी देवदलन। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भक्त लोग किस प्रकार का अनुष्ठान करते हैं? ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी रथ खींचना, ऑप्शन सी उपवास, ऑप्शन डी संकीर्तन। उत्तर है ऑप्शन बी रथ खींचना। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा का समापन कहाँ होता है? ऑप्शन ए मंदिर परिसर में, ऑप्शन बी गुंडीचा मंदिर में, ऑप्शन सी रथ मैदान में, ऑप्शन डी महासागर तट पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी गुंडीचा मंदिर में। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा में किस रथ को सबसे बड़ा माना जाता है? ऑप्शन ए बलभद्र का रथ, ऑप्शन बी सुभद्रा का रथ, ऑप्शन सी जगन्नाथ का रथ, ऑप्शन डी कृष्णा का रथ। सही उत्तर है ऑप्शन सी जगन्नाथ का रथ। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान पुरी में कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन ए रक्षाबंधन, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन डी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। सही उत्तर है ऑप्शन डी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ का मुख्य प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी शंख, ऑप्शन सी गदा, ऑप्शन डी पद्म। सही उत्तर है ऑप्शन ए चक्र। अगला प्रश्न है, पुरी के किस मंदिर से रथ यात्रा प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए काली मंदिर, ऑप्शन बी विष्णु मंदिर, ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन डी शिव मंदिर। सही उत्तर है ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर।
अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को कहाँ ले जाया जाता है? ऑप्शन ए गुंडीचा मंदिर, ऑप्शन बी कृष्ण मंदिर, ऑप्शन सी बालाजी मंदिर, ऑप्शन डी राम मंदिर। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुंडीचा मंदिर। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान रथों की सजावट में कौन सी चीज प्रमुख होती है? ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी लकड़ी की नकाशी, ऑप्शन डी मूर्तियां। सही उत्तर है ऑप्शन बी कपड़े। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भक्त किस प्रकार से अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए दान देकर, ऑप्शन बी रथ खींचकर, ऑप्शन सी उपवास करकर, ऑप्शन डी पूजा अर्चना करके। सही उत्तर है ऑप्शन बी रथ खींचकर। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण किस लकड़ी से होता है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन डी देवदार। सही उत्तर है ऑप्शन सी नीम। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को किस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं? ऑप्शन ए साधारण वस्त्र, ऑप्शन बी राजसी वस्त्र, ऑप्शन सी रेशमी वस्त्र, ऑप्शन डी सूती वस्त्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजसी वस्त्र। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन ए यात्रा का आयोजन, ऑप्शन बी भक्तों का जुटान, ऑप्शन सी रथों का खींचना, ऑप्शन डी प्रसाद वितरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी रथों का खींचना। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान रथों को कौन खींचता है? ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी कर्मचारी, ऑप्शन डी सैनिक। सही उत्तर है ऑप्शन बी भक्त। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति किस वाहन पर बैठती है? ऑप्शन ए अश्रच, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी रथ, ऑप्शन डी सिंहासन। सही उत्तर है ऑप्शन सी रथ। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी मुख्य अतिथि, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी प्रमुख भक्त। सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र का रथ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गरुड़ ध्वज, ऑप्शन बी पद्मा ध्वज, ऑप्शन सी ताल ध्वज, ऑप्शन डी देवदलन। सही उत्तर है ऑप्शन सी ताल ध्वज। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा का समापन किस दिन होता है? ऑप्शन ए रथ सप्तमी, ऑप्शन बी दशमी, ऑप्शन सी अमावस्या, ऑप्शन डी अषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। सही उत्तर है ऑप्शन डी अषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भक्त किस भगवान के दर्शन करते हैं? ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान कृष्ण, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी भगवान जगन्नाथ। सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, पूरी की रथ यात्रा में कितने रथों का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। सही उत्तर है ऑप्शन सी थ्री। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ किस दिशा में यात्रा करते हैं? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व,
ऑप्शन डी पश्चिम। सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्व। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र का रथ किस रंग का होता है? ऑप्शन ए ताल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। सही उत्तर है ऑप्शन बी हरा। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान रथ को किस मार्ग पर खींचा जाता है? ऑप्शन ए समुद्र तट, ऑप्शन बी पहाड़ी मार्ग, ऑप्शन सी मुख्य सड़क, ऑप्शन डी नदी किनारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुख्य सड़क। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ कौन से अन्य देवता भी होते हैं? ऑप्शन ए बलभद्र और सुभद्रा, ऑप्शन बी राम और लक्ष्मण, ऑप्शन सी कृष्ण और राधा, ऑप्शन डी शिव और पार्वती। सही उत्तर है ऑप्शन ए बलभद्र और सुभद्रा। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान भक्तों का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दान देना, ऑप्शन बी पूजा करना, ऑप्शन सी रथ खींचना, ऑप्शन डी प्रसाद लेना। सही उत्तर है ऑप्शन सी रथ खींचना।